इन देशों के अतिरिक्त वेनेजुएला, युगांडा आदि देशों ने भी किसी ना किसी प्रकार से लैंड या वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन अटेम्प्ट किया है, और लगभग सभी देशों ने इसके भयावह परिणाम भुगते हैं। लैंड कलेक्टिवाइजेशन की ही तरह इनहेरिटेंस टैक्स जैसी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का रिकॉर्ड भी उतना ही खराब रहा है। द मेजोरिटेरियन मिथ पुस्तक के लेखक कौशिक गंगोपाध्याय का कहना है कि आउटकम वाइज देयर इज नो प्रूफ दैट सच टैक्सेस आर सक्सेसफुल बाय एनी मींस अपार्ट फ्रॉम द आइडियोलॉजिकल आउटक्राइज ऑफ सोशल जस्टिस। अगर सोशो पॉलिटिकली भी देखें तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज से उनकी इकोनॉमिक प्रावेस छीन कर उन्हें अत्यधिक कमजोर बना देता है, लेकिन इससे हर प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के हाथों में समाज पर अपनी मनमानी चलाने के लिए कई शक्तियां मिल जाती हैं। जहां अपनी लेगेसी स्थापित करना वेल्थ क्रिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण मोटिवेशन होता है, वहीं इनहेरिटेंस टैक्स जैसे आइडियाज इस मोटिवेशन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा स्टेट मशीनरी द्वारा फोर्स के उपयोग से किया गया वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन किसी भी देश की कल्चरल फाउंडेशंस को बहुत कमजोर बना देता है, जिससे कठिन समय में उस देश के कोलैप्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हिंसा के माध्यम से किया गया वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन धार्मिक रूप से भी असंगत ही सिद्ध होता है। कुल मिलाकर फिलोसॉफिकली, एम्पेरिकली, सोशो पॉलिटिकली और धार्मिकली सभी प्रकार से यह एक खराब आइडिया है। टू कंक्लूड, अगर प्रसिद्ध विद्वान व लेखक थॉमस सोवेल के शब्दों में कहें तो सोशलिज्म इन जनरल हैज अ रिकॉर्ड ऑफ फेलियर सो ब्लेटेंट दैट ओनली एन इंटेलेक्चुअल कुड इग्नोर और एवेड इट। विचार कीजिए। जय श्री राम।